बच्चों, कल हम लोगों ने बात करा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे हैं। मास पार्टिकल भी हैं और चार्ज पार्टिकल भी हैं। ड्यू टू देयर मासेस उनके बीच में बच्चों ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन काम करता है, एंड ड्यू टू देयर चार्जेस उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन काम करता है। जहाँ तक बात करें कंपैरिजन का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, विच वन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, विच इज़ एक्टिंग इन बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल, तो बच्चों जब हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ एक्टिंग अमॉन्ग दीज टू चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट वन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नियरली अप्रॉक्स टू 10^39 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नियरली अप्रॉक्स टू 10^43 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इन केस ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन इट इज नियरली अप्रॉक्स टू 10^36 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखा बच्चों आपने, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 10^43 टाइम्स ग्रेटर होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए बच्चों बात करें तो ये लगभग 10^36 टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इंट्रैक्शन की बात करें तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 10^39 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो ये तीन अपने आप में ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगला बच्चों जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से देखें। द कन्वीनियंट पाथ ट्रेस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज फ्री टू मूव इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और विच गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो बच्चों ये बोल रहा है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम क्या कर दें, फ्री कर दें, तो वो फ्री चार्ज पार्टिकल जिस कन्वीनियंट पाथ को ट्रेस करता है वो कन्वीनियंट पाथ अपने आप में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के इम्प्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले भी दिया था, अभी भी देता हूँ कि स्पेशली विंटर डेज में आप देखते हैं कि ड्यू जम जाता है। अपन घर से बाहर निकलते हैं, कोई फोर व्हीलर हमको दिखता है तो उस फोर व्हीलर पे अपन अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं, फ्रीली मूव कराते हैं। अब देखते हैं कि जब ये फिंगर फ्रीली मूव होता है तो अपने पीछे क्या करता है, एक पाथ को ट्रेस करता है। वो जो पाथ ट्रेस किया है लगभग उसी तरह का इमेजिनरी पाथ कौन ट्रेस कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ट्रेस कर रहा है। और जब ये चार्ज पार्टिकल एक कन्वीनियंट पाथ ट्रेस कर रहा है तो अपने पीछे जिस इंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो वंस अगेन एक बार डेफिनेशन ध्यान से सुने, द कन्वीनियंट पाथ ट्रेस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज फ्री टू मूव गिव्स अस द इंप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जहां तक बच्चों प्रॉपर्टीज की बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, तो वो सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। मतलब आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें तो बच्चों ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स द चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के कारण आपने देखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ है, अवे फ्रॉम द चार्ज। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो डायपोल के लिए बात करा बच्चों तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। अगली जो लाइन बोल रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है उस पर हम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज towards the charge. That means the direction of electric field intensity is always from positive charge to negative charge. Clear? बच्चों एक और चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ओपन कर्व होता है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें तो इट इज अ क्लोज्ड कर्व, बिकॉज
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आउटसाइड द मैग्नेट इज स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज स्टार्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप एंड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ओपन कर्व. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा. ठीक है, अगली चीज पे जो हम बात करते हैं, द रीजन वेयर लाइन ऑफ फोर्सेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेट टू बी मैक्सिमम देयर एंड द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर सो फार फ्रॉम ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेट टू बी मिनिमम देयर. तो ऐसा रीजन जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस बच्चों पास पास हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, और ऐसा रीजन जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस दूर दूर हो, वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों कैसा होता है, मिनिमम होता है. ठीक है, अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेसिकली ओपन कर्व है, लेकिन ये फिर भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती. व्हाई इट इज सो? तो इफ इन केस इफ टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर कैन बी टू टेंजेंट ड्रॉन विच रिप्रेजेंट द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल. दैट्स वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो क्या बोला बच्चों उसने कि कभी किसी केस में अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक, अगली बच्चों हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. तो बात करते हैं, फील्ड इज सेट टू बी यूनिफॉर्म इफ बोथ मैग्नीट्यूड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन. कितनी चीजें बोली उसने, मैग्नीट्यूड बोला है, यूनिट बोला है, एंड डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन्स सेम एट ईच पॉइंट, देन दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेट टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बच्चों एक ऐसी फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी यूनिट और जिसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे कैसा हो, एक जैसा हो. यूनिट का खैर बात नहीं करते हैं क्योंकि वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हर एक पॉइंट पे कैसा है, सेम है, तो बच्चों वो फील्ड क्या कहलाती है, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसका रिप्रेजेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेस. तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, वो इक्विडिस्टेंस और पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो बोलता है फील्ड इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. मतलब अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बच्चों कैसा हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो फील्ड क्या कहलाती है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जहां तक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें बच्चों, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, अब यहाँ भी आप देखें, ये कुछ ऐसा रीजन है, यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास है, तो ऑब्वियसली एट पार्टिकुलर रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम एंड द रीजन वेयर लाइन ऑफ फोर्सेस आर सो फार फ्रॉम ईच अदर नाउ दैट टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम. तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म में याद रखना, उसको हमने बोला स्प्रेडिंग लाइन ऑफ फोर्सेस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब लाइन ऑफ फोर्सेस स्प्रेड हो रहा है, लेकिन जहां ओरिजिन पॉइंट है वहां पे इंटेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम, और जैसे जैसे दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती जा रही है, मिनिमम होती जा रही है. तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का. खास चीज, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेस, एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्प्रेडिंग. स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैला हुआ, है ना, स्प्रेडिंग लाइन ऑफ फोर्सेस. तो आई थिंक बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना. अगला बच्चों हम लोगों ने बात करा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल राइट एंड ऑन पोजिशन एंड सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्विटोरियल पोजिशन और ब्रोडसाइड ऑन पोजिशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो बच्चों दो शब्द हैं, पहला है हमारा एक्सियल या फिर एंड ऑन पोजीशन, सेकंड है हमारा इक्विटोरियल या फिर ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन. तो इसको भी हम लोगों ने क्लियर किया. अपन क्या बोलते हैं,
द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी मेजर इज लाइज ऑन एक्सटेंडेड एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो लेट सपोज दिस वन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज ऑफ लेंथ ट्वाइस एल एंड द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी इज टू बी मेजर इज लाइज ऑन एक्सटेंडेड एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ दैट टाइम दिस पोजिशन इज रेफर्ड टू एज एक्सियल पोजिशन और एंड ऑन पोजिशन. तो बच्चों क्लियर हो गया कि वो पॉइंट जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है, अगर वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सटेंडेड एक्सेस, मतलब एक्सेस को हमने पढ़ा दिया है ना, एक्सटेंडेड एक्सेस पे सिचुएट हो, तो वो जो पोजीशन है बच्चों वो क्या कहलाती है हमारी, एंड ऑन पोजिशन या फिर एक्सियल पोजिशन. तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं. सेकंड था हमारा ब्रोड साइड ऑन पोजिशन. तो क्या बोलता है वो, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी मेजर इज लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. देन दिस पोजिशन इज रिफर्ड टू एज इक्विटोरियल पोजिशन या फिर ब्रोड साइड ऑन पोजिशन. तो बच्चों ध्यान से देखो, वंस अगेन इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा पूरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये जो एक परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर इस पूरे डायपोल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो वही उसने बोला है कि वो पॉइंट जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना हो, वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सिचुएट हो, तो ये पोजिशन बच्चों क्या कहलाती है हमारी, ब्रोड साइड ऑन पोजिशन. तो आई थिंक दो डेफिनेशन आप को क्लियर हो गई होगी. एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज करें, क्या बोला है, द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी इज टू बी मेजर इज लाइज ऑन एक्सटेंडेड एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल देन दिस पोजीशन इज नोन एज एंड ऑन पोजीशन एंड सेम एज द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी इज टू बी मेजर इज लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल देन दिस पोजीशन इज नोन एज इक्विटोरियल पोजीशन या ब्रोड साइड ऑन पोजीशन. तो आई थिंक बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब हमने दो क्वेश्चन किए हैं, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड सेम एज इन इक्विटोरियल पोजीशन. बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए समय दो चीजें हमको ध्यान रखना है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड सेकंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स द चार्ज, है ना. तो इमेजिन करिए, आप लो नोट्स आपके सामने हैं, है ना, यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. तो पहली बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजिशन. तो ध्यान से देखें, लेट सपोज दिस वन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज ऑफ लेंथ ट्वाइस एल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल पी एंड वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज लाइज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर इन एक्सियल पोजिशन. क्लियर है. तो बच्चों को दो काम करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. जहां तक बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले का, अपने क्या पढ़ा था, इट इज 1/4πε0Q/r² व्हाट इज r, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. ठीक, तो इतना सा कॉन्सेप्ट बच्चों लेके चलना है. तो बात करते हैं, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, अब आप नोट्स देखते रहिएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई वन विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0Q/ap² अब वो ए हो सकता है बी हो सकता है, वो अपने हिसाब से देख लेना. ठीक है, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे ए पी स्क्वायर. अब ए पी स्क्वायर को बच्चों को कैलकुलेट करना है ना, ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस थी बच्चों वो कितनी है हमारी, ऑब्वियसली आर. ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, एल. दैट मीन जब आप ए पी की वैल्यूज निकालेंगे कितना हो जाएगा, आर माइनस एल. तो अगली स्टेप जब आप लिख रहे हैं क्या हो रहा है, ई वन विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0Q/r-l का होल स्क्वायर. जहां तक डायरेक्शन की बात करें, क्या बोल रहा है वो, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, दैट मीन्स अलॉन्ग ए पी. क्लियर हो गया बच्चों. सेम एज बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या हो जाएगा 1/E2 विच इज इक्वल टू 1/4πε0Q/bp². अब bp की बात करें तो क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसको bo प्लस op, दैट मीन्स r प्लस l. तो अगली स्टेप क्या होगी, e2 विच इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r+l का होल स्क्वायर. जहां तक डायरेक्शन की बात करें, ऑब्वियसली इट इज इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन कहां होगा, टूवर्ड्स द चार्ज, दैट मीन्स अलॉन्ग pb. क्लियर है.
तो बच्चों दो चीज हमने कर ली, एक ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हमने इंटेंसिटी मेजर करी, सेकंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज हमने इंटेंसिटी मेजर करी। अब रिजल्टिंग इंटेंसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली दैट टाइम द रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी इज इक्वल्स टू द वैक्टर सम ऑफ बोथ द इंटेंसिटी, दैट मीन्स ई विच इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू। बट इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर बोथ ई वन एंड ई टू आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली कन्वेंशन साइन आप यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ई विच इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon E1 माइनस ई टू, ई वन की वैल्यूज रखते हैं 1/4 pi epsilon 0 क्यू बाय आर माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस के साथ 1/4 pi epsilon 0 क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। वो जो पूरे में से क्यू बाय 4 pi epsilon 0 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। आप लोग इसका एलसीएम लीजिएगा, इसको सिंपली सॉल्व करिएगा, एक टर्म आप यूज करेंगे क्यू इंटू ट्वाइस एल को क्या लिख सकते हैं पी। जब पूरा एक्सप्रेशन बच्चों आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ रहा होगा ई विच इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon 0 टू पी आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों यहां पे एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, फिगर को देख के बात करें कि सिंस एल इज लेस देन बाय आर, देयर फॉर एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स निगलेक्टिंग एल स्क्वायर इज कम्पेयर टू आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को बच्चों क्या कर देंगे जीरो। अब आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कितना हो गया आर एस टू दी पावर फोर, ऊपर से एक आर को कैंसिल कर दें। उस कंडीशन में बच्चों आप लोग देखेंगे कि जो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ रहा है वो ई विच इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon 0 ट्वाइज पी बाय आर क्यू। यूनिट की जहां तक बात करें ऑब्वियसली न्यूटन पर कूलम। अभी जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों हमको मिली है इसके डायरेक्शन की बात करें, अब ये ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं ध्यान रखना। तो नाउ दैट टाइम द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजिशन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सेकंड चीज फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है ई विच इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon 0 ट्वाइज पी बाय आर क्यूब, दैट मीन्स ये पूरी चीज हमारी कांस्टेंट है, दैट मीन्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जनरली इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। दैट मीन्स इफ यू प्लॉट अ ग्राफ इन बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस देन वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज है। तो बच्चों ये हमारा एक्सप्रेशन था किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजिशन। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ब्रोडसाइड ऑन पोजीशन।